दोस्तों, क्या आपके परिजनों में और पहचान में कोई ऐसा है जिसकी मुस्कान बहुत ही अच्छी है, सुंदर देखने वाली और आकर्षणीय है और बहुत ही बैलेंस करके चलती है, खुद साफ सुथरा और परफ्यूम यूज़ करने वाली और घर को साफ सुथरा रखने वाली? तो बहुत अधिक संभावना है कि ये लोग तुला राशि के जातक हैं। ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल है, यू नो, दूसरों की मदद करने वाले, सुंदर और अपनी फ्रेंड सर्कल में बहुत ही पॉपुलर। तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, दिस होजे भट्टाचार्य और शुभ टीवी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुला राशि के बारे में सब कुछ, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और तुला राशि के बारे में सब कुछ जान जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि के लॉर्ड है शुक्रदेव। आपका तत्व है वायु। आपका लकी नंबर 2, 5, 6, 8, 16, 15, 24, 33, 42, 51, 60। आपके लिए लकी डे शुक्रवार। लकी रंग सफ़ेद। मित्र राशियाँ मिथुन, कर्कट यानी कैंसर, धनु, मकर। इन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, किसी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन राशियों के साथ दूरी बनाए रखने, ओए सिंह मतलब लियो, रत्न हीरा और धातु सोना। आप लोग अच्छे कर्म करने में और विलासिता जीवन में बिताने में बहुत ही यकीन रखते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादातर थोड़ा सा धनवान होते हैं और उनके अंदर थोड़ी कामुकता भी रहती है। आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम होगा। लाइफ में बहुत ही कम समय आता है जब आपको लोन लेने का मौका मिलता है। प्रेम और विवाह आपका ठीक रहता है। अगर आप शादी कुंडली देख कर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों के लिए जो बिजनेस ठीक रहेगा, लाभदायक है लोहे का बिजनेस। आप लोग पढ़ाई में इतना फलस्वरूप आशा नहीं मिलता जो आपको चाहिए, उतना नहीं मिलता। कभी कभी आप लोग इतना समय अपने को सजाने में लग रहे, पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं जाता। आप लोगों को नौकरी में ज़्यादा ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता, और लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। आप लोग बाहर घूमने बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मार्केटिंग जॉब बहुत ही अच्छा होता है, जिसके साथ अच्छा पैसे बहुत कमा सकते हैं। आप लोग कुछ गुप्त अंग प्रॉब्लम भी होते हैं। आप लोग नेचर प्रिय होते हैं, कभी कभी अकेले रहना भी पसंद करते। आप लोग के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। किसी भी आप महादशा दशा आते हैं, उस ग्रहों की जब माता बनने लगती है तो आप लोगों की उस ऐसी क्वालिटी भी बनने लगती है। डांसिंग, सिंगिंग, यू नो, डिज़ाइनिंग, ये सब क्वालिटी आपके अंदर बच जाती है। मतलब आप बहुत सारे काम करने में पसंद करते हैं। आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात है आप लोगों की मुस्कान। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है आप लोगों के अंदर मुस्कान। आप लोगों के दिल में अंदर एक कोई चीज़ आ जाती है तो वो चीज़ निकालना तो भूल, कोई भी निकाल नहीं सकता, खुद आप भी नहीं निकाल सकते। आप लोग दूसरों को मदद करने में यकीन रखते। कभी कभी लोगों की सलाह देने में बहुत यकीन रखते। अगर वो सलाह नहीं चाहते फिर भी आप देते रहते हैं। आप लोगों को मैरिज लाइफ में आप लोग को अगर मैरिज लाइफ मंगल राशि के साथ मैरिट हो तो
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आप लोग अंदर कुछ कमी रह जाती है आप लोग के अंदर, आप लोग कह भी ले नहीं, भगवान ने दिया है जो होता है, फिर भी एक कमी रह जाती है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आप लोग बहुत प्लानिंग करके चलते हैं, रिलेशनशिप कह लीजिए, फ्रेंडशिप कह लीजिए, तो यही आपके अंदर एक बहुत बड़ी कला है। आप लोगों के अंदर अगर बृहस्पति अंश में तो ठीक ठाक भी हो, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं होते, मतलब किसी चीज़ में कहीं पर भी कोई कमी रह जाती है, मतलब कुछ नहीं होते उस चीज़ में आप लोग। अगर कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोग नाम कमा लेते हैं, जैसे एक एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा, आपको सभी को पता है गांधी जी, वो भी शायद तुला राशि के भी थे, तो आप लोग को पता है कि उनकी लाइफ क्या थी, क्या है नहीं है। आप लोग खाने पीने में बहुत ही, खाने पीने और दूसरों खिलाने में बहुत ही यकीन रखते हैं, धन आपका ठीक ठाक रहता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज ऑफ लॉर्ड आपको शुक्र है दिस रीज़न। आप लोगों के अंदर जो अच्छे अच्छे रहते हैं वो है, आप लोग कूटनीतिक होते हैं, आप लोग सोच विचार करने वाले होते हैं, मतलब सोच विचार करके चलने में यकीन रखते, आप लोग बहुत सोशल होते, आप लोग फ्रेंडशिप करना बहुत ही पसंद करते हैं, आप लोग बहुत बैलेंसिंग होते हैं, और कुछ ख़राब चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं, आप लोग झगड़ा बहुत कम करते, अगर आपका पॉइंट ठीक भी हो तो भी आप झगड़ा नहीं करते, खुद के ऊपर दया करते हैं और बहुत ज़्यादा शिकायत करते रहते हैं। आप लोगों को जो चीज़ पसंद है वो है, आप लोगों को मेलजोल बढ़ाना बहुत ही पसंद है, नरमी बताना बहुत ही पसंद है, आप सब कुछ दिल से खोल कर बताना पसंद करते हैं। आप लोगों को हिंसा, गलत चीज़, धोखेबाजी, कुछ जो आपके दगाबाज, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग अगर तुला राशि का जो सिंबल है आपने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि ये है तराजू है, जो नियंत्रण और बैलेंस को शो करता है, मतलब ये लोग बहुत ही बैलेंस होते हैं, इन लोगों को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, फ्रेंडशिप करना बहुत ही पसंद है, लोगों बहुत सारे लोगों में रहना पसंद है, सबके बारे में सोचते हैं, सबके साथ रहना पसंद करते हैं, और ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ, ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और इन लोगों को पता है कैसे मामला को ठीक से तरह से रखा जाए, ये लोग कूटनीतिक एंड ये लोग ये लोग एक दूसरे से बात करके कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। आप लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं, सोच समझ के निर्णय लेने वाले होते हैं, आप लोग झगड़े से दूर रहते हैं, आप लोगों के अंदर बहुत ही चतुर एक कला होती है, जिसके कारण आप लोग दूसरों को समझा सकते हैं, इसके कारण आप लोग स्पीकर हो सकते हैं, आप लोग उस काम को पसंद करते हैं जिस काम में न्याय हो, जैसे पुलिस, वकील, जज, आप लोग राजनीतिक, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, संगीत, इन सब में आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन कामों में आप लोग, आप लोगों की लाइफ में पैसे की कमी नहीं होती, आप लोग बिजनेस में बहुत ही अच्छा नाम कर से, ऊपर से इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ऐसे तुला राशि वाले हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते हैं, आप लोग जासूसी करने में तो माहिर है, कभी कभी आपका लॉर्ड शुक्र होने के कारण आप लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी, जैसे कला नृत्य में आप लोग बहुत ही अच्छा नाम कमा लेते हैं। आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो लोग आपकी लाइफ में धन की कमी नहीं होती, आप लोग बिजनेस में बहुत अच्छे से नाम कमाते हैं, ऐसे बहुत सारे तुला राशि वाले हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस से बहुत ज़्यादा नाम कमाए, आप लोगों के अंदर एक कला होती है जासूसी, आप लोग एक बार किसी पीछे पड़ जाए तो पड़ जाए, छोड़ते नहीं उन लोगों के, आपका आपके लॉस शुक्र होने के कारण आप में एक कला कला होती है, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, जो डांसिंग सिंग में बहुत ही अच्छा नाम आप लोग कमा लेते हैं। अगर प्यार की बात करूँ तो ये लोग बहुत ही रॉयल कॉमेडी होते हैं, ये बदले में जितना प्यार देते हैं उससे ज़्यादा प्यार, उतना ही प्यार ये लोग चाहते हैं, बिकॉज बैलेंसिंग, ये लोग
प्यार के, हम प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने आप को रॉयल्टी प्रूव करें किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ही ओवर पॉजिटिव भी हो जाते हैं। यूजुअली देखा जाए तो इन लोगों की थोड़ी सी एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन अगर इन लोगों की नॉर्मल लाइफ देखा जाए तो बहुत लंबे आयु वाले होते हैं। और इन दो तरह के होते हैं इनका हेल्थ कंडीशन, ज़्यादा थोड़ा सा ठीक होते सुस्त रहते, नहीं तो बीमार पड़ जाते एकदम जन्म से, कुछ ना कुछ इनके लगे रहते हैं। अगर इन लोगों को सही वातावरण नहीं मिला तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े और भयभीत हो जाते हैं। आप लोगों को मिठाई जंक फूड से बचना चाहिए, बिकॉज आप लोग ये बहुत खाते हैं जिसके कारण आप लोगों की हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जाने से पहले एक रेमेडी देना जरूर चाहूँगा, आप लोग नहाने के समय थोड़े से हथेली में पानी लेके उसमें थोड़ा सा शुगर ले लीजिए और दही लेने के बाद उसे प्रणाम करके चान कर लीजिए। और एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी लेके अपने ऊपर उंगली में छिड़क लीजिए, देखना कैसी एक चेंज आपके लाइफ में ज़रूर लाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया